अपने चैनल पे मैं ये एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ एंड अगर तुम लोग एक ई-स्पोर्ट एथलीट हो या फिर बनना चाहते हो फ्यूचर में तो तुम्हारे लिए सीरीज बहुत काम की साबित होने वाली है क्योंकि लिटरली इस सीरीज की मदद से तुम लोग बिना गलती किए गलतियां करने वाले हो। वेरी सिंपल वे में मैं तुम्हें बताऊं तो तुम लोग गलतियां करने के बाद ई-स्पोर्ट में कुछ सीखते हो कि पिछले मैच में हमने क्या क्या गलतियां की एंड यहां पे क्या क्या करना चाहिए था। बट इसमें जनरली होता क्या कि तुम्हारा एंट्री फीस जो होता है वो कहीं ना कहीं लॉस में चले जाता है। बट इस सीरीज की मदद से कहीं ना कहीं तुम लोग मेरे और मेरी टीम के द्वारा किए गए गलतियों से कुछ ना कुछ सीखने वाले हो। आज की वीडियो को शुरू करते इस लाइन के साथ खुद की गलतियों से सीखोगे तो जिंदगी पड़ जाएगी छोटी कि खुद की गलतियों से सीखोगे तो जिंदगी पड़ जाएगी छोटी टॉक्सिफाई की गलतियों से जो सीखोगे तो मौज ले जाओगे मोटी। हाँ तो लौंडो आज की वीडियो में तो मैं लैंडिंग तो नहीं दिखा पाऊंगा बट फिर भी हम लोग लेट हो गए थे कहीं ना कहीं मोट हाउस पहुंचने में। हाँ तो यहाँ से हमारा सीधा साधा प्लान था कि पहाड़ की साइड से जितनी भी लूट मिलेगी लूट करेंगे आराम से। अगर एक बंदे की भी लूट में कमी होती है तो हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। हाँ तो एक बार सबसे कंफर्मेशन लेने के बाद हमने ढाबा बोलने का सोचा तो हम लोग कुछ पीछे की साइड से आप लोग देख सकते हो नीचे की साइड आ जाते हैं और पीछे से भी बंदों ने फायर देना शुरू कर दिया था क्योंकि बेसिकली हमारा प्लान था कि दो बंदे इनको डिस्ट्रैक्ट करने में लगेंगे। मतलब दो दो का पेयर हमने बना लिया था और दो बंदे हम लोग आगे की साइड जाकर के पीछे से ढाबा बोलेंगे और ये लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेंगे चारों बंदों। यहाँ तक तो हमारा प्लान काफी सक्सेसफुल जा रहा था। मतलब उन लोगों को पता भी नहीं था कि हम दोनों लोग पीछे आ चुके हैं एंड वहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे हैं। तो फाइनली हम लोग काफी क्लोज आ गए थे तो हमने बोल दिया था फायर पावर बढ़ा दो अपना एंड यहाँ से भी हम लोगों ने दबा दब देना शुरू कर दिया था और दो बंदों को हमने डाउन भी ले लिया था। यहाँ तक भी तुम्हें प्लान काफी सक्सेसफुल लग रहा होगा। मतलब हमारी टीम से अभी तक किसी ने डाउन ले लिया और सामने वालों के दो खिलाड़ियों को नॉकआउट निकाल चुके हैं। इससे आगे का प्लान हमारा बिल्कुल था ही नहीं। मतलब दो ही बंदे बच्चे हम लोग चाह रहे हैं कैसे भी दबा करके ले ले। ये हमारा प्लान नहीं था, ये हमारी थिंकिंग थी। दो ही बंदे बच्चे इजी पीजी ले लेंगे एंड देखते देखते एक और खिलाड़ी को हम लोग नॉकआउट निकाल लेते हैं। तुम लोग को भी देखते देखते ये लग रहा होगा कि भाई सिचुएशन कितनी इजी है, सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है, इजी पीजी हंट लो और पेल पाल दो। एग्जैक्टली हमने यही किया भी क्योंकि मैं स्नाइपर था तो मैं पीछे रहना था तो मैंने हंट ले लिया ताकि ये दोनों बंदे जाएं आगे और पेल दे। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया हो बहुत अच्छे से तो ये हमारी पहली और बहुत बड़ी गलती थी। वैसे आगे की सिचुएशन तुम लोग पहले खुद से देख लो एंड इसके बाद मैं समझाता हूं तुम्हें ये हमारी सबसे बड़ी गलती क्यों थी। सबसे पहले हमारी टीम से हाइड्रा गया आगे एंड हाइड्रा पिटा डाउन हुआ पानी में गिरते क्लियर और यहाँ पे बचर भी नीचे कूद चुका था एंड यहाँ पे देख सकते बचर क्लियर हो चुका है। तब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ओशियन से तैर के जाऊं आगे। तुम लोग देख सकते हो मेरा भी वही हाल होता है जो बचर और हाइड्रा का होता है। जो लोग पीरो एथलीट होंगे वो लोग समझ गए होंगे यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाता हूँ और इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था यहाँ पे। सबसे पहली गलती तुम लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे हंट नहीं लेना चाहिए था एंड तुम में से कुछ लोग कहते होंगे कि हंट ले लेना चाहिए था। तुम लोग देखते जाओ एक एक चीज तुम्हें क्लियर करता चलो। बट लिटरली मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज इस टाइप की वीडियोस को भी सपोर्ट किया करो तुम लोग। और अभी तुम लोग आगे की सिचुएशन देखो, आगे क्या क्या होता है इस मैच में। अगर मैप पे देखोगे तो हमारी तरफ से दो खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है जिपलाइन से उस पार जाके उसको मारने के लिए। बट एक चीज तुम लोग ध्यान रखना कि वो बंदा जिपलाइन पे बिल्कुल बैठा हुआ हमारे आने का वेट ही कर रहा है। तुम लोग वीडियो में आगे देखो आगे क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी तरफ से हाइड्रा जा चुका है एंड पीछे से स्नाइटर, हाइड्रा यहाँ पे डाउन दे चुका है एंड स्नाइटर कूदा है नीचे की साइड एंड ये भी ज्यादा देर तक सर्वाइव कर नहीं पाएगा। ऐसी बात नहीं की स्नाइटर ग्लोअल डाल के बच नहीं सकता बट इस बंदे ने पता है क्या किया। पानी में खड़े होने वाला बटन है इसने पूरे लेआउट से गायब कर दिया। मतलब यूजलेस समझाता बिल्कुल और उसको साइड फेंक दिया है। बताओ ऐसे ऐसे टूर्नामेंट प्लेयर्स हैं मेरी टीम में। अब यहाँ पे तुम लोग मेरी पोजीशन देख रहे होगे, भाई मैं इधर क्या करने जा रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं वापस से पीछे आ जाता हूँ और अब एक बार फिर से मैप पे नजर डालो। तुम्हें बंदा देखने को मिल रहा होगा कुछ यहाँ पर। अगर हम लोग जिपलाइन से जाएंगे सीधा सीधा तो वो हमें पेल देगा पानी के रास्ते। हाँ तो अब मेरे खोपड़े में चलता है, क्यों ना मैं फ्लैंक करके इस आइलैंड पे पहुंच जाऊं एंड यहाँ से फायर दो। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मतलब मेरे माइंड में बिल्कुल चल ही नहीं रहा था कि भाई हंट मैंने लिया, उसको मेरी पोजीशन पता चल रही है, मैं दिख रहा हूँ उसे मैप में कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। बट लिटरली ये चीज मेरे बुद्धि में कभी चली नहीं थी। एंड फाइनली रिजल्ट ये होता है कि जैसे मैं पहुंचने वाला था तभी बंदा फायर देना शुरू कर देता और मेरे को एलिमिनेट कर देता पानी के अंदर। इस वीडियो में अभी तक तुमने मेरी टीम और मेरे द्वारा की गई बहुत सी गलतियां नोटिस की होंगी। वैसे अगर तुम लोग यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए तो जल्दी से कमेंट करो ओपी गलत ताकि मेरे को भी पता चले कि तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरी वीडियोस देखने में या नहीं। यहाँ पे हमारी टीम से अकेला खिलाड़ी इंसेन रह जाता जो कि हमें हर्ट में रिवाइव करा रहा है। एक बहुत क्रेजी सा चीज तुमने नोटिस किया, आने वाले बंदे को पता है कि अकेला बंदा बचा हुआ इनकी टीम का एंड वो हर्ट पे रिवाइव करा रहा है बट वो लोग जिपलाइन से इधर क्यों नहीं आ रहे। अपने आंसर को एकदम अच्छे से एनालाइज करके डेक्यूरेट करके कमेंट करो। फाइनली तुम लोग देख सकते यहाँ पे हम सबके सब रिवाइव हो चुके हैं बट यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रा ने भाई साहब सबसे पहले नॉक मतलब हवा में इसको नॉकआउट ले लेते हैं। और ये चीज भी तुम लोग एक गलती में इंक्लूड कर सकते हो कि तुम्हें बंदे की लोकेशन दिख रही है एंड उसी के जस्ट ऊपर से तुम लोग नीचे उतर रहे हो तो वहाँ पे वो बंदा तुमको कैसे भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे देख सकते हाइड्रा के बाद स्नाइटर भी डाउन दे देता है एंड यहाँ पे हम दो ही खिलाड़ी रह जाते हैं। मैं यहाँ पे गन्स वगैरह ढूंढता एंड मिल भी जाती है मेरे को बट क्योंकि अभी तक हंट का टाइम खत्म नहीं होता एंड मेरी लोकेशन स्टिल उन लोग को दिख रही थी एंड ये लोग भाई साहब पूरा का पूरा चढ़ जाते हैं मेरे ऊपर लिटरली। फिर भी मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया था कि इनको
यार एक बंदे को नॉकआउट ले लूं एटलीस्ट, बट पूरा का पूरा डैमेज हो चुका था एंड जैसे ही खिड़की में कूदता हूं तभी मेरे को डाउन कर देते। एक बार फिर से इनसेन हमारी तरफ से आखिरी खिलाड़ी बचा होता है एंड यहां पे दो दो बंदे इसके ऊपर रश कर रहे हैं। एक बंदा देख सकते हो लेफ्ट साइड से आ रहा है एंड एक बंदा ऊपर की साइड, तुम लोग को लोकेशन दिख रही होगी। देखो टूर्नामेंट में कभी भी होप नहीं आनी चाहिए भाई, अकेला बंदा अगर कॉन्फिडेंस है उसमें तो वो कर सकता है एंड यहाँ पे इनसेन का कॉन्फिडेंस बरकरार था। सामने वाले बंदों को देखोगे तो भाई साहब दोनों तरफ से कवर कर लिया, यहाँ पे ग्लू वॉल की भी कमी पड़ रही थी बट फिर भी भाई साहब यहाँ पे कोरोनो चालू करता है एंड पीछे वाला जो बंदा होता है उसको पहले निपटाने का सोचता है एंड उसको डाउन भी कर देता है। अब तुम लोग ही बताओ एक बंदे से क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम लोग, भाई साहब जोन से एलिमिनेट हो जाता है फाइनली। वीडियो की एंडिंग होने से पहले तुम लोग कुछ जरूरी चीजें कमेंट करके बताओ। फर्स्ट थिंग कि हमने कौन कौन सी गलतियां करी इस मैच में, सेकंड थिंग कि कैसे हम लोग इस सिचुएशन में डोमिनेट कर सकते थे। फाइनली इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करना चाहूंगा, बाकी तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाद करो ना।